सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ज्ञान सरिता को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। विश्व के लगभग हर एक हिस्सों में प्राचीन आदिम जनजातियां निवास करती है, जो कि वहां पर हजारों लाखों सालों से रहती आई है। इनमें से लगभग सभी समुदायों तक आधुनिक दुनिया की पहुँच हो चुकी है और वो भी बाकी दुनिया के लोगों से घुल मिल चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ गिनी चुनी ऐसी आदिम जनजातियां हैं जिन्हें अपने जीवन में बाहरी दुनिया का हस्तक्षेप पसंद नहीं है। ऐसी ही एक जनजाति है लॉस्ट ट्राइब। इसने आज तक किसी भी बाहरी शख्स को अपनी जमीन पर कदम नहीं रखने दिया है, इसलिए आज तक इनकी कोई ढंग की फोटो उपलब्ध नहीं हुई है। ये जनजाति हिंद महासागर के एक छोटे से आइलैंड नॉर्थ सेंटिनल पर रहती है। ये आइलैंड भारत के जलीय क्षेत्र में स्थित है। आकाश से ये एक सामान्य सा आइलैंड जैसा ही दिखता है, लेकिन असल में ये एक खतरनाक आइलैंड है। नॉर्थ सेंटिनल नाम के इस आइलैंड पर बेहद रहस्यमय जनजाति रहती है। इन लोगों ने आधुनिक सभ्यता को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है और दुनिया से इनका संपर्क जीरो है। कहा जाता है कि ये जब दुनिया के किसी शख्स से मिलते हैं तो हिंसा के साथ ही आसपास में नीचे उड़ते हवाई जहाजों का ये पत्थरों से स्वागत करते हैं। इतना ही नहीं, टूरिस्ट के अलावा मछुआरों के लिए भी ये आइलैंड बेहद खतरनाक है। 2006 में यहाँ के जनजातियों ने कई मछुआरों को मार डाला था। इससे पहले भी कई बार ये हिंसा कर चुके हैं। हालांकि ये जनजाति करीब 60,000 सालों से रह रही है। इन लोगों को लॉस्ट ट्राइब भी कहा जाता है। कुछ रिपोर्टों में इसे दुनिया की सबसे अलग थलग रहने वाली जनजाति करार दिया गया है। बंगाल की खाड़ी के पास स्थित इस आइलैंड के लोगों की जिंदगी में भारत सरकार भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।